हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं एग्जाम वाले प्रश्न के बारे में। स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम से आप इस चीज़ों को देख पा रहे होंगे। चलो जी, एग्जाम वाले प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, और ये जो श्रृंखला आप देखने वाले हो, ये जो सीरीज देखने वाले हो, ये आपको दिलाएगा 50 आउट ऑफ 50। है ना मज़ेदार बात, मज़ा आने वाला है भाई, 100 के अंदर मज़ा आने वाला। डेली हम इसी टाइम पे आएंगे जब तक कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से हो ना जाए, ठीक है। और उसके बाद भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका सीजीएल मेंस जो ना हो जाए, या जिसको आप टायर 2 के नाम से जानते हो वो ना हो जाए, राइट। सेशन को स्टार्ट करें भाई, सभी लोग आ जाएँ फटाफट, सेशन को स्टार्ट करते हैं आराम से, आ जाएँ भाई। चलो भाई स्टार्ट करें भाई, क्वेश्चंस क्वेश्चंस के साथ चलें, आ जाओ। देखो भाई, तो इस सेशन के अंदर हम बात क्या करने वाले हैं, इस सेशन के अंदर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जिनका एमटीएस से बहुत ज़्यादा लेना देना है। अब बहुत ज़्यादा लेना देना का मतलब ये हो गया जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड मोड में आते हैं क्वेश्चंस, या जिस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बार 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 रिपीट किया जा रहा है, उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं जी। और ऐसे में हम कैसे देखेंगे भाई, स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस देखेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे, और वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस देखेंगे कि हम वोकैब को कितने बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं जी। स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को, आ जाएं। देखिए पहला क्या है, डायरेक्शन कैसे आता है पेपर में। जैसा पेपर में क्वेश्चन आता है सेम वैसे ही हम फॉलो करने वाले हैं, सारी चीज़ें वैसी ही चलेंगी जैसा आपके पेपर में देखने को मिलता है जी, ठीक है। कैसे मिलेगा देख लो जरा, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं भाई, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। गुड मॉर्निंग अजय, जितेंद्र गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। चलें देखें क्वेश्चंस क्या होता है भाई। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन दे रखा है ऊपर कि जो क्वेश्चंस 1 to 10 द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कि जो ये फॉलोइंग सेंटेंस है वो क्या है भाई, पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और वन ऑफ द कंटेंस एन एरर, अब इन पार्ट्स में जो डिवाइडेड सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक में क्या है भाई, एरर है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेंस द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, हमने क्या करना है भाई कि वो वाला पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। या तो इंस्ट्रक्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा पेपर में, या फिर इंस्ट्रक्शन को वो थोड़ा सा चेंज करेगा, स्लाइटली चेंज करेगा, और जो इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। वही बात कह रहा है, बस थोड़ा सा मोल्ड कर रहा है ना। तो बस अपना काम होता है क्वेश्चंस के नेचर को, मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, और फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाना। देखो जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूएंसेस, राइट। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, ठीक है। इसके आंसर हमने फिगर आउट करने हैं कि आंसर क्या आने वाला है इसका, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे भाई, हाँ जी, फटाफट आंसर करते चलेंगे, देखेंगे भाई क्या आंसर आने वाला है इसका। चलो ए में एरर बता रहे हो आप लोग, देख लेते हैं भाई ए में एरर है क्या, है कैसे, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए भाई। अगर आप एरर बता रहे हो तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज एरर, है ना, कि एरर क्यों है भाई। चलो जी देख लेते हैं, अब देखो मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, कह रहा है व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। मैं बोलूं कि इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है, कितने क्लॉज भाई, दो क्लॉज है। पहला क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। तो ये चार पार्ट में दे रखा है, तो जो पहला वाला है भाई सी वाला ऑप्शन, व्हेन यू आर अंडर, व्हेन यू आर अंडर, इसमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा हमें, कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा भाई, ठीक है। फिर हम आगे चलें तो ये बात यहां से स्टार्ट हो रही है, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, राइट। यू कैन सी हियर कि यहां से स्टार्ट हो रही है सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, इट इज हार्डली, राइट, जो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। अब ये देखना है भाई कि ए ऑप्शन जो आप बोल रहे हो कि करेक्ट है, उसको देख लेते हैं कैसे करेक्ट है भाई। अब बोल रहा है कि व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, जब आप किसी स्ट्रेस में होते हो, मीनिंग यही निकल के आ रही है भाई कि जब आप किसी स्ट्रेस में होते हो, इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूएंसेस। तो एक टर्म यहां पर दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है न्यूएंसेस, तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए भाई मेरे, है ना, मीनिंग पता होनी चाहिए कि न्यूएंसेस की मीनिंग क्या होती है, क्या होती है भाई न्यूएंसेस की मीनिंग। तो न्यूएंसेस की मीनिंग होती है भाई क्या, टू चेक एवरी डिटेल्स, या फिर टू चेक माइन्यूट डिटेल्स, यू कैन से माइन्यूट डिटेल्स, डिटेल्स है ना, बिल्कुल माइन्यूट सा जो डिटेल्स होता है उसको भी चेक करने की बात बोलते हैं, या फिर द स्लाइट डिफरेंस, यू कैन से द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स या अपियरेंस और आइडिया और मीनिंग, है ना, चीजों के बीच में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होना, उसको बोलते हैं न्यूएंसेस, राइट। अब देखो जरा, कह रहा है इट इज हार्डली टू प्रोसेस,
एक टर्म होता है बेटा हार्डली और एक टर्म होता हार्ड, है ना, हार्ड और हार्डली, ये दो टर्म है जी। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे प्लेस कौन सा होगा, हार्डली होगा या हार्ड होगा। हार्ड हार्ड क्या है भाई, हार्ड क्या है, मैं पूछूं हार्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, आप क्या आंसर करोगे, हार्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है भाई, क्या लगता है हार्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है भाई। हार्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है सर एडजेक्टिव, ठीक है, क्या होती है भाई एडजेक्टिव। और हार्डली की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है भाई एडवर्ब। रिक्वायरमेंट किसकी है, एडवर्ब की या एडजेक्टिव की, किसकी रिक्वायरमेंट है भाई, एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है या एडजेक्टिव की, क्या लगता है भाई। देखो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एडजेक्टिव की है, क्यों है भाई, हम बात किसी कर रहे हैं सब्जेक्ट की, इट इज, इट इज, इट क्या है भाई सब्जेक्ट है, ये जो इट है, ये जो इट है ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, हमें सब्जेक्ट में डिटेल ऐड करना है और सब्जेक्ट में डिटेल ऐड करने का काम कौन करता है भाई, वो करता है सर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हार्डली की जगह पे क्या आना था भाई, हार्ड आना था। अगर हम वर्ब में डिटेल ऐड कर रहे होते तो फिर हम किसका यूज करते भाई, हार्डली का यूज करते। तो हमें पता चल गया कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, डन है भाई। सभी के आंसर बिल्कुल शानदार थे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन आंसर है सभी के जी। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आना चाहिए आपको भाई क्वेश्चंस करते टाइम, मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए कि आप ग्रामर के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो, है ना। कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चंस सारे इजी हो जाते हैं भाई आपके लिए। और आप ये भी देखते चलो ना भाई कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, ये कब ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू स्क्रीन पर है आपके, क्वेश्चन नंबर टू आंसर करेंगे फटाफट। बोल रहा है कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, है ना। क्वेश्चंस रीड कर लिया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चंस रीड कर लिया होगा भाई, आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर निकल के आ रहा है भाई। 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं भाई। चलो समझते हैं भाई कैसे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा या सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये चीज कैसे हो पा रही है, लेट्स सी। देखो कह रहा है कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, है ना, तो ये हमारा ए ऑप्शन में दे रखा है, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स। ऑब्वियसली बात है कि जो ऑन प्रेपोजिशन होता है वो एयरलाइन, बस, ट्रेन, इसके लिए हम यूज करते हैं। अच्छा कुछ बच्चों का डी भी ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चों का डी भी आ रहा है जी, चलो जी कोई नहीं देख लेंगे अभी। तो भाई ये देखो पहले कि जो ऑन होता है प्रेपोजिशन वो एयरलाइन, बस, ट्रेन, इनके लिए भाई जब आप उन पे बोर्ड करते हो, उन पे रहते हो तो ऑन लगा देते हो, तो यहां तो ठीक है कि जो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर है फ्लाइट के अंदर या ऊपर, राइट, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है, बी बोल रहा नो एरर, और सी बोल रहा क्या, इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, ओके, कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो पूरी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या दे रहा है, कह रहा है क्या कि जो एयर प्रेशर है एयरलाइन फ्लाइट का कैन लेसन, लेसन की मीनिंग क्या होती है भाई, लेसन की मीनिंग क्या होती है, लेसन की मीनिंग क्या होती है भाई, स्पेलिंग देखेंगे लेसन की, एल ई डबल एस ई एन, और एक स्पेलिंग वाला क्या होता है भाई, एल ई डबल एस ओ एन, दोनों में डिफरेंस है। एक लेसन होता है भाई क्या, चैप्टर, ठीक है, चैप्टर होता है, एल ई डबल एस ओ एन, दूसरा लेसन लिख रखा भाई यहाँ पे, लेसन, लेसन की मीनिंग क्या होगी भाई, लेसन की मीनिंग क्या होगी भाई, डिमिनिश करना, कम करना, ठीक है, डिमिनिश करना, कम करना होती भाई, ठीक है। सो जो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर है एयरलाइन फ्लाइट का कैन लेसन, कम किया जा सकता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है इन पैसेंजर्स ब्लड, है ना, जो पैसेंजर्स का ब्लड है, ठीक है, जो पैसेंजर्स का ब्लड है, ब्लड जो पैसेंजर्स, अच्छा ऑक्सीजन जो है पैसेंजर के ब्लड में फॉर 25%, मतलब ऑक्सीजन को कम करने की बात कह रहा है, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑक्सीजन लेवल रहा होगा पैसेंजर के ब्लड में, अब वो कम होके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा भाई। अब ये जरा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, वरना या तो आपको ये याद होना चाहिए कि लेसन के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, या तो ये पता हो आपको कि हर एक वर्ड का प्रेपोजिशन प्रॉपर पता हो, किसके साथ क्या प्रेपोजिशन आती है, या आपको फंडा पता हो। तो जब भी आप कहीं से स्टार्ट करते हो और कहीं जाते हो, मैंने बोला ए से स्टार्ट किया मैंने और बी पे पहुंचे, ठीक है, ए पे आपने स्टार्ट किया, वी पे पहुंचे, तो मतलब आपने यहां से फ्रॉम किया होगा और जहां पहुंचे होगे उसके लिए टू लगाया होगा, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, राइट। तो आपने मान लो ऑक्सीजन लेवल आपका 100% रहा होगा, वहां से रिड्यूस होके कितने परसेंट पे आया होगा भाई, 25% पे आया हो, यही बोल रहा है ना। तो क्या होना चाहिए भाई, प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा भाई, कहीं से जाके कहीं पहुंच रहे हो ना, कहीं से जाके कहीं पहुंच रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है टू प्रेपोजिशन होना चाहिए,
क्या होना चाहिए भाई, टू प्रेपोजिशन, और लेस देन के साथ भी क्या प्रेपोजिशन लगता है भाई, टू प्रेपोजिशन ही यूज होता है। समझ आया भाई फंडा, समझ आया? या तो ये वाला फंडा याद रखो कि कहीं से भी निकलो तो कहीं पहुंचोगे, है ना, तो जहां से निकले हो, जहां से स्टार्ट किया वहां उसके साथ फ्रॉम यूज होगा, जहां पहुंचा पहुंचे पहुंचे हो आप वहां पे टू यूज होगा। डन है, इतनी बात है, डन है। तो भाई एरर दिखा आपको किसमें भाई, कैन लेसन द अमाउंट ओके इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, है ना। सी ऑप्शन, जिनका आंसर सी था भाई, थर्ड ऑप्शन भाई जितेंद्र केसी, डी कैसे होगा, डी कैसे होगा भाई, हाँ जी डी तो नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही बात, यहां बात समझ आ रही है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब सी ऑप्शन ही करेक्ट होना है क्योंकि हमें प्रेपोजिशन यहां दिख रहा है फॉर, तो क्या होगा भाई यहां पे, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड टू 25%, टू का यूज होना है, टू का यूज होना है भाई। डन है, हाँ जी बिल्कुल टू का ही यूज होना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री को, सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो पेपर में आएंगे, सारे वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो पेपर में आएंगे 110%। या तो वो क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा या उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन कॉपी किया जाएगा आपके पेपर में, ये चीज मार्क करके रख लें जी, ठीक है, क्योंकि पूरा आपके पास कलेक्शन है भाई, सारे कंटेंट्स हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। यू नो अबाउट पिनेकल, कि पिनेकल कितनी तेजी से कंटेंट पे काम करता है, आप इस बात को समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। सेंटेंस रीड कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, सेंटेंस रीड कर लिया होगा, आंसर देना स्टार्ट करें भाई, फटाफट आंसर करें। सी सी थर्ड ओके, थर्ड 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 ओके, लेट्स सी, देखो क्या बोल रहा है भाई, ये वाला सेगमेंट बोल रहा है साइंटिस्ट बिलीव, तो साइंटिस्ट बोला मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ये वाला हमारा आंसर हो नहीं सकता। देन आगे बढ़ेंगे, दैट मेनी एनिमल्स हैव, अगेन मेनी के साथ प्लूरल नाउन यूज हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनना है जी, ठीक है। अ यूनिक लैंग्वेजेस, आर्टिकल का यूज किया है भाई, आर्टिकल अ का यूज किया जी, बिल्कुल अरुण, आर्टिकल अ का यूज किया है, राइट, आर्टिकल अ का यूज किया यहाँ पे, और आर्टिकल अ किसके साथ यूज होता है भाई, आपको बेहतर तरीके से पता है, आर्टिकल यूज होता है सर नाउन के साथ, ठीक है ये तो बात पता है, आर्टिकल किसके लिए आता है भाई, नाउन के साथ आता है। लेकिन अब कितने आर्टिकल भाई, तीन आर्टिकल, ए एंड द, अगर मैं ए और एन की बात करूं, ए आर्टिकल किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, एन आर्टिकल भी किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, दोनों सिंगुलर के साथ आते हैं, राइट। सो यहाँ पे लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है भाई, लैंग्वेजेस यूज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये इंप्रूवमेंट में आ जाता, अगर ये सेम क्वेश्चन, यहां पे तो एरर स्पॉट करने को आया, अगर सेम क्वेश्चंस को वो इंप्रूवमेंट में दे देता, तो इंप्रूवमेंट कहां पे करते आप, इंप्रूवमेंट आप कहां पे करते, अगर क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के सेगमेंट में पूछता तो ये आंसर करें जी, ठीक है ये जरूरी है भाई, आप फटाफट देख लेते हो, स्पॉट द एरर करते हो, स्पॉट द एरर करके कि हाँ इसमें एरर है, आगे बढ़ जाते हो। अगर इंप्रूवमेंट के सेगमेंट में होता तो इंप्रूव क्या करते आप, आंसर करेंगे भाई। चलो जी भाई, इंप्रूव हम किसमें करते, आर्टिकल को ही, यहां से हम एलिमिनेट करते, यहां से आर्टिकल को एलिमिनेट कर देते, ये वाला आर्टिकल यहां पे यूज ही नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपके सामने, हाँ नहीं, लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं करेंगे भाई, यूनिक लैंग्वेजेस, क्योंकि मेनी एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है ना, किसी सिंगल सिंगल एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहा है ना अरुण, समझ पा रहे आप इस बात को, ठीक है। लैंग्वेज को हम टच ही नहीं करेंगे यहां पे, लैंग्वेजेस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पे बात हो रही है भाई मेनी एनिमल्स की, कई सारे एनिमल्स की, तो वो लैंग्वेजेस ही रहेगा। हम किसको हटा देंगे भाई, हाँ बिल्कुल आर्टिकल को हटा देंगे, दीपक का आंसर बिल्कुल सही है भाई, आर्टिकल को हम यहां से हटाएंगे। तो ये चीज भी अंडरस्टैंड करते हुए चलना है आपने कि हमने क्वेश्चन को कैसे कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। जरूरी यह है, फंडामेंटल आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे जैसे दे भाई, हमें आता है हम कर जाएंगे, हमें ये चीज पता होनी चाहिए जी, बिल्कुल डेफिनेटली। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर है भाई स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फोर है, आंसर करें भाई, लाइक शेयर भी कर लेंगे भाई, शेयर कर लेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर लेंगे, बड़ी ही मजेदार सी सीरीज होने वाली है ये, बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाली है ये, मजा आने वाला है आपको,
पिनेकल की तरफ से ये इनिशिएटिव है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। लाइव क्लासेस इसके पहले हम ले नहीं रहे थे, वापस से लाइव क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप इस चीज को समझे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलो भाई आंसर देना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साउदर्न स्टेट्स हैज मेनी एंड इंप्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स, राइट। साउदर्न स्टेट्स हैज मेड एन इंप्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई। डी 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 के सी अजय दीपक एसएससी तमिल तमिलन, ओके बढ़िया। हैव मेड, केसी का आंसर आ रहा हैव मेड, ठीक है भाई। चलो इजी था ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन। हलवा जानते हो ना कितना मजेदार लगता है, वैसे ही ये क्वेश्चन था। सिंपल सी बात है सर, हमने अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट दे रहा साउदर्न स्टेट्स, यस एग्जैक्टली साउदर्न स्टेट्स दे रहा भाई। साउदर्न स्टेट्स क्या हो गया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया सर। तो ये यहां पर आप देख पा रहे हो जो ये वर्ब आ रखी है यहाँ पे, ये सिंगुलर आ रखी है। एसएससी ने तो ये हलवा क्वेश्चन दे दिया भाई, है ना, ठीक है। तो जो आपका एरर है वो कहां पे भाई, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में एरर है, हैज किसको रिप्लेस करेगा भाई, हैव को, या ये कह लें हैव रिप्लेस करेगा हैज को, राइट। हैव रिप्लेस करेगा किसको भाई, हैज को। डन है, ये इजी था भाई, इजी था। चलें आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेंगे, 5 का आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस, मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस, आंसर करेंगे भाई इसको। ए बी सी डी, आपको 15 डेज में इतना करा दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले, जिनका भी एग्जाम चाहे जब भी हो रहा हो, इतना करा दिया जाएगा कि आपका पेपर काफी इजीली हो जाएगा। 50 आउट ऑफ 50 बोला है तो वो डेफिनेटली आपने मिलना है जी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बस आप मन लगा के पढ़ाई करते रहें जी। चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई। डी डी ऑप्शन आ रहे हैं भाई, डी डी ऑप्शन आ रहे हैं आपके। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है, मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस। डी में कैसे आप एरर फिगर आउट कर पा रहे हो, डी में कैसे एरर फिगर आउट कर पा रहे हो। अजय का सी, दीपक का ए, ओके मतलब बड़े ही अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, है क्या हो गया, अभी तो बड़े मजेदार आंसर आ रहे थे, अब क्या हो गया है। देखो भाई जरा सा दोबारा से फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, लल्ला है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे फोकस करें जी। हाँ अरुण सागर, ठीक है भाई, सिंपल फंडा है, अपने अपन अपना बेसिक नहीं छोड़ सकते ना, बेसिक भाई, बेसिक्स हर चीज की जान होती है भाई, बेसिक हमें पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये बचपन से सीखा है हमने, और फिर हमने उसके बाद ये सीखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या बोला मैंने कि अगर सब्जेक्ट क्या हो लल्ला, सिंगुलर सब्जेक्ट जो हो वो अपने साथ क्या लेगा, वो लेगा भाई सिंगुलर वर्ब, राइट। ये बात फंडे वाली है, सिंगुलर वर्ब है ना, ये हमने सीखा हुआ है। फिर हमने क्या सीखा भाई, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ अगर सर, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इट विल टेक व्हाट, प्लूरल वर्ब, राइट, से यस नो, राइट ना, ये वाला फंडा है भाई, ये वाला फंडा है, ठीक है। तो भाई ये आप अपनी तरफ से एज्यूम करके ना चला करें, बिल्कुल ना चला करें भाई, कि एग्जामिनर जो दे रहा है क्वेश्चन वो डेफिनेटली एरर वाला ही देगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देयर इज मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि भाई एग्जामिनर दे रहा है तो भाई उसमें एरर होगा ही होगा, नहीं, हम सारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हुए चलेंगे ना भाई। बोल क्या रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या भाई, अगर वर्ब देखो, वर्ब यहां पे आर, ठीक है, इसके पहले सब्जेक्ट क्या है, मरीन वर्टिब्रेट्स, मरीन मतलब क्या होता है भाई, मरीन मतलब ओशियन, समुद्री, समझ पा रहे हो ना, ओशियन से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, और वर्टिब्रेट्स मतलब जो उसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। सो मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस, कई सारे रीजंस की वजह से वो क्या है, वैल्यूएबल है, उनकी कीमत है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसमें कौन सा वाला करेक्ट हो रहा है भाई, बी वाला, नो एरर, कोई एरर ही नहीं है भाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, बाकी बातें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सभी को, यह फंडा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। चलें आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी देखें जी, ये आपके लिए बुक है भाई, आप देख पा रहे होंगे एसएससी की है ना, पिनेकल की तरफ से बुक है भाई, इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं आपको। ये है 4800 टीसीएस एमसीक्यू की बुक, जो चैप्टर वाइज आपको मिलेगी, एमटीएस के लिए स्पेशली, एमटीएस के लिए ये बुक है। एंड द नेक्स्ट बुक इज व्हाट, एसएससी इंग्लिश 7600 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है ना, सब कुछ चैप्टर वाइज मिलेगा। और बेहतरीन बात यह है आपको, हाँ जी बेहतरीन बात यह है आपके लिए कि ये जो बुक है ना, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो वो वाला जो फंड आपको प्रॉब्लम होती है ना कि बाइलिंगुअल परचेज करें, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं होती है जी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वाला अपना ले सकते हो अपने नजदीकी स्टोर से, ठीक है। चलो एक बुक है, आपकी भी बुक है जिसके बारे में हम बात कर लेंगे बाद में, चलते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 का, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें जी। क्या कह रहा है, इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6, आंसर आने स्टार्ट हो जाना चाहिए। राम राम गुरु जी, अरे राम राम भाई, बढ़िया आ जाओ आंसर करो फटाफट आंसर करो जी। क्या कह रहा है, इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ना। ये थोड़ा सा मजेदार सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस लॉजिक को समझना, इस फंडे को समझना भाई, समझ के ही आंसर करना। अच्छा जी, एक का आंसर आया 1, दूसरे का सी, 1 एंड सी, और आंसर आने दीजिए भाई, और आंसर आ जाए फटाफट आ जाए। केसी सेड डी, ओके डी, समझते हैं भाई क्या है, बोल रहे इन मेनी प्लेसेस, कई सारे प्लेसेस में, कई सारे जगहों पर, राइट कई सारे जगहों पर, ये वाला फ्रेज तो हमारा समझ आ गया, ये वाले फ्रेज में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इन मेनी प्लेसेस। आगे बोल रहा है रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर करना, उनको वापस से रिस्टेब्लिश करना, रिस्टोर करना, कैन बी, ये मोडाल आ रखा है भाई, तो मतलब ये भाई अपना सब्जेक्ट बना है उसके लिए ये मोडाल आया, कहीं कोई दिक्कत यहां तक हो ही नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझो जरा। बोल रहा है रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ना, तो कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। अब जरा देखना ये वाला सेगमेंट जरा चेक करो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो स्ट्रेटजी है भाई वो क्या है, वो नाउन है सर। अगर मैं स्ट्रेटजी की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं आपसे तो आप बोलोगे क्या, नाउन है, ठीक है। मैं बोलूं कि ठीक है नाउन के बारे में जो डिटेल ऐड करे भाई वो क्या होता है, भाई वो क्या होता है, नाउन के बारे में जो डिटेल ऐड करे वो कौन होता है भाई, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन में डिटेल ऐड करता है भाई, नाउन को एडिफाई करता है, नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, कौन करता है ऐसा, तो सिंपल सी बात है सर, एडजेक्टिव करता है, कौन करता है बच्चे, एडजेक्टिव करता है, राइट। चलो नाउन और एडजेक्टिव, ओके। फिर उसके बाद अगर चेक करो तो ये जो एक्सट्रीम आ रखा है, ये एक्सट्रीम क्या कर रहा है यहां पर, ये किस में डिटेल ऐड कर रहा है और ये क्या बन रहा है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बननी है जी, ठीक है। तो भाई ये एक्सट्रीम है क्या, ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम अगर वैसे देखो मैं पूछूं एक्सट्रीम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एक्सट्रीम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है भाई, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। तो जरा बताना एक बात, एक फंडा आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव पढ़ते टाइम, ठीक है, कि एडजेक्टिव जो डिटेल ऐड करता है वो तो या तो नाउन में डिटेल ऐड करेगा या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करेगा, ऑब्वियसली बात है, सिंपल फंडा भाई, या तो नाउन में डिटेल ऐड करेगा एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन में डिटेल ऐड करेगा, और आप यहां पे देख रहे हो कि ये वाला जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव में ही डिटेल ऐड कर रहा है, तो भाई बात तो गलत हो गई ना, बात तो गलत हो गई है ना, ठीक है, बात तो यहां पे गलत हो गई, ठीक है। अब जरा समझो क्या यहां से होना चाहिए था, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव में अगर मैं पूछूं डिटेल कौन ऐड कर सकता, तो बच्चे एक ही है, वो है एडवर्ब, कौन डिटेल ऐड करता है भाई, एडवर्ब डिटेल ऐड करता है किसमें, एडजेक्टिव में, डन है भाई, एडवर्ब डिटेल ऐड करता है, बिल्कुल लॉकस, एडवर्ब डिटेल ऐड करता है। तो एडवर्ब अगर बनाना हो तो एक्सट्रीम को क्या लिखेंगे, एक्सट्रीम को क्या लिखेंगे कि वो एडवर्ब बन जाए, ऐसा क्या हमने यूज करना है एक्सट्रीम की प्लेस पे कि वो एडवर्ब बन जाए। तो सिंपल फंडा पता है कि कोई भी वर्ड हो उसमें हम ly प्लेस करते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, तो आपको क्या यूज करना था यहाँ पे, एक्सट्रीमली, क्या यूज करना था भाई, एक्सट्रीमली वर्ड यूज करना था। अगर एक्सट्रीमली वर्ड वहां पे यूज किया होता तो पूरा का पूरा जो फंडा था वो बिल्कुल सही होता, बिल्कुल अरुण, बढ़िया आंसर जी, हाँ जी बढ़िया,
समझ आ रही बात? तो जिनका जिनका आंसर डी था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आंसर कर रहे हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई डी। समझ रहे हो कैसे कैसे हमें चीजों को देखना होता है, कैसे कैसे हमें चीजों को देखना होता है, कैसे कैसे फंडे को समझने होते हैं। बिल्कुल आराम आराम से हमें सेंटेंस को बिल्कुल हौले हौले, कहते हैं भाई हौले हौले अगर आपने रीड कराया ना तो सेंटेंस अपने आप में ही आपको आंसर देता है कि भाई मेरा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, मेरे को सही कर, वो खुद ही बोलता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आराम से रीड करना होता है। आप बिल्कुल घबरा जाते हो कि सर इतने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे हम कैसे कर पाएंगे, आराम से होते भाई। मैं दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा 25 क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं 15 मिनट्स में, वो भी करके दिखाऊंगा। अभी पहले प्रैक्टिस कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 7 क्या कह रहा है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। ये क्वेश्चन है भाई, 7 का क्वेश्चन। आप रीड कर पाओ सेंटेंस, रीड कर पाओ। आशा का आंसर आ रहा है फॉर फॉर फॉर, कहां पे फॉर, क्या ऑप्शंस फिगर आउट करें भाई, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 मार्क करें, तब समझ आएगा भाई क्या आंसर है। सी में एरर निकल के आ रहा है भाई। रीड कर लिया सभी ने, स्टार्ट करें भाई एक्सप्लेनेशन। चलो जी देखो, कह रहा है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स गिव अस। अब देखो जरा, अगर मैं देखूं यहां तक, सिर्फ यहां तक की बात करूं तो ये एक अलग क्लॉज है भाई, एक अलग क्लॉज है। ठीक है, देखो जरा, कह रहा है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, किसकी बात हो रही है भाई, सीड्स की बात हो रही है। सीड्स अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट बना है तो उसके लिए यहां पर प्लूरल वर्ब आ रखा है भाई वी1। ठीक है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है सेगमेंट को। आगे बोल रहा है क्या, एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। एक बात बताना जरा, इस लीव की मीनिंग क्या होती है, इस लीव की मीनिंग क्या होती है भाई, एल ई ए वी ई बोल रहा है, क्या मीनिंग आएगी भाई एल ई ए वी ई की, क्या मीनिंग आती है? तो लीव मतलब तो क्विट करना ना, छोड़ देना, गिव अप करना, काइंड ऑफ है ना, गिव कर देना, छोड़ देना। हाँ जी, लीव की मीनिंग ये होती है। और हमें चाहिए यहां पर वर्ब दे रखा भाई आर, तो भाई आर दे रखा, या तो लीव लिखता वो, या तो लीफ लिखता एल ई एफ, तो हमें पता चलता है सिंगुलर की बात कर रहा है, राइट। तो हमें प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको लीव्स करना पड़ेगा ना, लीव्स करना पड़ेगा, तो लीव्स। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, हाँ जी बिल्कुल। कह रहा है एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, एक सब्जी की तरह उसकी पत्तियां यूज की जाती हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है। क्वाइट नहीं भाई, क्विट करना, अरुण सागर, क्वाइट की स्पेलिंग गलत हो गई जी। हाँ ठीक है, चलो जी आ जाओ। तो एरर पता चला भाई, सी में एरर है, सी में एरर है भाई, 7 के सी में एरर है। समझ आ रही है बात? हाँ जी, अगर लीफ होता तो इज आता, बिल्कुल लीफ होता तो इज आता, कोई दिक्कत नहीं है, लीफ होता तो इज आता, दोनों तरीके से यहां पे सही हो जाता, या तो लीफ्स आर होगा या लीफ इज होगा, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे जी, आंसर करेंगे 8 के बारे में। कह रहा है एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स, ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स। स्टेटमेंट रीड कर चुके होंगे आप लोग, आंसर करें कि एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड, एड वर्कर्स मतलब जो सहायक वर्कर्स है भाई, जो सहायता के लिए जा रहे हैं कहीं पे, जो रिफ्यूजी कैंप में हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स। करें जी आंसर करें। चलो जी, इन द रिफ्यूजी कैंप, सी 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 सी, ओके सी, अच्छा सी। एरर तो ढूंढा आपने, एरर ढूंढा, मैंने कहा एरर सिर्फ ढूंढने से काम नहीं चलेगा बच्चे, हमें पता भी चलना चाहिए कि अगर वहां पे क्या होता तो वो करेक्ट होता। एरर ढूंढ लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड कि आपने एरर फिगर आउट कर लिया। क्वेश्चन ये बनता है कि वहां पे क्या हमने यूज करना है कि वो एरर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फंडा देखो जरा, कह रहा है एड वर्कर्स, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अपने साथ क्या ले रखा है भाई, हैव ले रखा है, बात ठीक है, हैज होता तो वहां पे गड़बड़ हो जाता। बोल रहा क्या, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड, उन्होंने डिलीवर करा ना, क्या करा, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, फूड है ना, ठीक है, ऑन द रिफ्यूजी कैंप। अभी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था कि आप कहीं से स्टार्ट करते हो और कहीं को जाते हो,
ये छोड़ो ये छोड़ो, मैं एक बात बोल रहा हूं कि आप जब कोई भी शॉपिंग करते हो, चाहे आप जोमेटो से करो, स्विगी से करो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी आप ई कॉमर्स साइट से जब शॉपिंग करते हो और आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाता है, कहीं से वो प्रोडक्ट चला होगा और आप तक आया होगा, ठीक है, तो आपको एक मैसेज रिसीव होता है कि डिलीवर टू मिस्टर शर्मा या फिर मिस्टर वर्मा, जो भी, समझ रहे हो ना, डिलीवर टू बोल के आता होगा वो मैसेज, ठीक है ना, कि उसने डिलीवर कर दिया, वो चीज कहीं से स्टार्ट हुई होगी, कहीं पहुंची है ना, कहीं से वो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, तो जहां से स्टार्ट हुआ बच्चे वो क्या फ्रॉम, और जहां पहुंचा वो क्या भाई, टू, बिल्कुल सिंपल फंडा है ये, बिल्कुल सिंपल फंडा है, ठीक है, इसको ही ध्यान देना है आपने। मैं नहीं कहता हूं कि आप रट लो किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है, कैसे वो फ्रेजल वर्ब बनना है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको लेसन में भी ये बात समझाई, आपको सिर्फ फंडा समझना है आपको कि भैया कहां से चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे और कहां से चलेंगे तो क्या लगेगा। हम जहां से स्टार्ट करते स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम लेता है, जहां पहुंचते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं भाई, टू, तो डिलीवर करा है ना, डिलीवर करा, फूड कहीं से उठाया होगा और कहां डिलीवर करा भाई, रिफ्यूजी कैंप में, तो यहां पे ऑन का यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, पहली चीज, तो फिर आएगा क्या, आएगा क्या बच्चे, टू, किसका यूज करेंगे भाई, क्या, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड टू द रिफ्यूजी कैंप्स, किसको डिलीवर करा भाई, रिफ्यूजी कैंप्स को डिलीवर करा, ये बात आपने अपने, हाँ, जब भी आपको कोई भी डिलीवरी, कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसका एसएमएस देखा करें कि वो कैसे आ रहा भाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ, एरर कहाँ हमने फिगर आउट करा, सी में, देखो अच्छी बात ये है कि आपको एरर दिखता है, अच्छी बात तो ये है, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है ना, तो सारे जो भी आपको पढ़ा रहा है ना, ठीक है, वो आपको सिर्फ एरर देखना बता रहे कि भाई इस वाले में एरर है, वो ये बिल्कुल नहीं बता रहे कि भाई एरर हटेगा तो क्या बनेगा, उसके प्लेस में हम रिप्लेस किसको करेंगे, है ना, तो ये फंडा जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होकर थोड़ी आएंगे भाई, इस क्वेश्चन का नेचर चेंज कर देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देगा वो आपको, फिर क्या करोगे, समझ पा रहे हो ये बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है जी, फटाफट आंसर करें 9 का। नाइन के आंसर करेंगे भाई, फटाफट आंसर करेंगे। वो भी निकालना सीख जाओगे आप शिवानी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेंगे अपन, वो भी करेंगे, है ना, मिक्स वाले भी करेंगे, अभी हमने सेपरेट स्टार्ट किया, 3-4 दिन सेपरेट चलेगा, फिर हम मिक्स वाले भी करेंगे, बिल्कुल पेपर ही कर लेंगे एमटीएस का, पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट भी करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, कह रहा है समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड सी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। ओके, देखो भाई रियलिटी भी है, रियलिटी सच्चाई भी है ना, कि आप जब कभी कभी गलतियां कर देते हो तो मम्मा को आपकी गलतियों को बचाने के लिए आना भी पड़ता है ना, मम्मा आती हैं भाई, है ना, तो अब यहाँ पे सी से आप मम्मा समझ लो या कुछ और समझ लो, अपन तो मम्मा को कंसीडर करते हैं, है ना, लाइफ में मम्मा को कंसीडर करते हैं। आ जाओ जरा, कह रहा है क्या, समटाइम्स आई एक्ट, कभी कभी मैं एक्ट करता हूँ, ठीक है भाई, करता हूँ, प्रेजेंट में चल रहा है ये वाला जो सेगमेंट है ये, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। लाइक अ फूल, कैसा एक्ट करता हूँ भाई, एक फूल की तरह एक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड सी हैज टू स्टेप, आपको पता हैज टू और हैव टू का यूज है ना, हैव टू और हैज टू का यूज, हैज टू और हैव टू कोई टेंस नहीं बता रहे इधर, वो बता रहे हैं ये किसको शो करते हैं भाई, ये कंपल्सन को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, मैं ये बात अच्छे से लिख दूं आपके लिए, जरा सा नोट डाउन करना है इसको, अगर हैज टू दिख रहा है आपको और हैव टू दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है भाई, ये दिखा रहा है कंपल्सन, कंपल्सन मतलब मजबूरी, कंपल्सन मीन्स वट, मजबूरी की, उसकी मजबूरी बन जाती है, मुझे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। और हैज टू और हैव टू कंपल्सन किस टेंस में दिखाएंगे भाई, मेरे प्रेजेंट के टेंस में दिखाएंगे, प्रेजेंट टेंस में दिखाएंगे, है ना, प्रेजेंट टेंस में दिखाएंगे, ये बात समझ आ रही है, हाँ, कंपल्सन शो करेगा और ये कंपल्सन किस में शो करेगा भाई, प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में अगर कंपल्सन शो कराना होता तो हम किसका यूज करते, सिंपल सा वंडा भाई, हैड टू का यूज करते, डन है, हाँ, हैड टू का। अब आ जाओ जरा देखते हैं एरर कहां पे, यहां पे भी कोई एरर नहीं है, अब नो एरर है या डी ऑप्शन सही होगा, देखो जरा, कह रहा है टू स्टेप इन टू सेव मी, टू स्टेप इन टू, स्टेप इन टू, अब ये जो एरर है, ये जो एरर है भाई, हाँ जी, ये जो एरर है ये किसका है भाई, तो सिंपल सी बात है, क्या फ्रेजल वर्ब का नाम सुना होगा आपने,
जो आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, फ्रेजल वर्ब आपको बहुत ज्यादा तंग करता है भाई, आप रो दे तो इससे, है ना, ठीक है। तो बस वही एरर है भाई, यहाँ पे वही एरर है। क्या एरर आएगा भाई, स्टेप इनटू कोई वर्ड, ये कोई फ्रेज नहीं हुआ, स्टेप इनटू कोई भी फ्रेज नहीं हुआ, है ना, इसको कट कर दो। अगर इसकी मीनिंग फिगर आउट भी करते हो ना, मैं एक बात बताता हूं आपको, कई सारे गूगल पे मीनिंग्स आपको पड़े होंगे, तो जो मीनिंग दिखाएगा ना स्टेप इनटू की, वो दिखाएगा वॉक करना, वॉक करना, या फिर किसी कमरे में इंटर करना, इंटर इन अ रूम, किसी कमरे में इंटर करना, वो मीनिंग दिखाएगा स्टेप इनटू की। लेकिन यहाँ पे मीनिंग कुछ और आ रही है कि समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, कभी कभी मैं मूर्खों की तरह बिहेव करता हूँ, तो उसको मजबूरी में आना पड़ता उस डिफिकल्ट सिचुएशन से मुझे बाहर निकालने के लिए, तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है भाई स्टेप इन। क्या करना भाई, स्टेप इन, स्टेप इन की मीनिंग क्या होती है भाई, टू इंडल्ज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लिख लेंगे उसको अगर आप लिखना चाहो तो, स्टेप इन की, हाँ, टू सेव, यस एग्जैक्टली, सेव करने के लिए, है ना, इंडल्ज होना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसी की हेल्प करने के लिए, उसको बोलते हैं भाई स्टेप इन, राइट। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडल्ज होना, जाना, मजबूरी में जाना, ताकि आप अपने किसी लव्ड वन को सेव कर पाओ, उसके लिए जो यूज होता है वो होता है भाई स्टेप इन। और स्टेप इन टू के लिए मैंने बता दिया वॉक करना, अगर मीनिंग अगर आप ढूंढोगे भी तो वॉक करना आएगा, या फिर किसी कमरे में इंटर होना कहा जाएगा, डन है भाई। सो एरर आपने फिगर आउट करा, बहुत अच्छी बात है। किसमें एरर है भाई, डी ऑप्शन में एरर है। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है ना, क्वेश्चंस को पढ़ के मजा आ रहा है। देखो भाई सिंपल फंडा है, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, मजा आना चाहिए, है ना, ना आप मैथ कर रहे हो, ना रीजनिंग कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसमें मजा आता है भाई, लैंग्वेज पढ़ते टाइम मजा आना चाहिए, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, 10 है, आंसर करेंगे भाई 10 का। बढ़िया बढ़िया जी, 10 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। मैंने स्टेटमेंट रीड कर दिया आपके लिए जी, आंसर करें, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन है भाई, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लो फटाफट इस क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ब्रेकफास्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल, आंसर ठीक ठीक आ रहे हैं, ठीक ठीक आ रहे हैं सभी के आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ए ए ए किसी का आंसर ए भी आया भाई, दोबारा चेक करियो जरा इसको, ए आंसर नहीं है, ए नहीं होगा, सिंपल सा फंडा है ना भाई, देखो जरा द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी है ना, तो भाई यहां तक समझ आई बात कि द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, तो सिंगुलर वर्ब ले रखा है, इज ठीक है। अ इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से पहले आर्टिकल अ का यूज दिखा रहा है भाई, सिंपल सा हमने पढ़ा हुआ है कि दो आर्टिकल, एक ए और दूसरा एन, हमने ए का भी यूज देखा और एन का भी यूज देखा। ए का यूज किसके साथ करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, या तो हम कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे, या फिर कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे, या फिर जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करेंगे, राइट। जो साउंड मतलब हमने कोई लेटर रीड करा, कोई वर्ड रीड करा, और उसका जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो उसके साथ हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। एन किसके साथ करते हैं भाई, या तो हम वॉवेल के साथ करते हैं, और वॉवेल में आपको पता है ए ई आई ओ यू है ना, ये आपके वॉवेल हो जाते हैं जी, ठीक है, या फिर वॉवेल साउंड के साथ करेंगे। अब यहां पे आपको वॉवेल साउंड समझ में आ जाएगा कि मैं वॉवेल साउंड किसको बोल रहा हूं। आप बोलते हो ऑनेस्ट, लिखते हो क्या एच ओ एन ई एस टी, लेकिन पढ़ते क्या हो भाई मेरे, ऑनेस्ट, तो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हुआ ना, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हुआ, इस वजह से आप इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करते हो, ठीक है। आप आर पढ़ते हो, एच ओ यू आर, स्टार्टिंग पॉइंटर तो कॉन्सोनेंट लेटर है भाई मेरे, है ना, वो कॉन्सोनेंट लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोनंसिएशन है या फिर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है भाई आपके वॉवेल से, तो इसलिए वॉवेल से प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हमने किसका यूज करा भाई, आर्टिकल एन का यूज करा, और हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा भाई क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज व्हाट आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब है जी। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर चेंज हो रहा है भाई, थोड़ा नेचर चेंज हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल थोड़ा नेचर चेंज हो रहा है, और नेचर क्या चेंज हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे, डायरेक्शंस को रीड करेंगे। क्या बोल रहा है भाई कि 1-7 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें क्या करना है भाई, जो बोल्ड सेगमेंट है या फिर अंडरलाइन सेगमेंट है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, सिर्फ उन्हीं पार्ट को देखना और उसी में चेंजेस करना है, उसी में चेंजेस करना है जी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई मेरे,
चलो आंसर करें भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर वन को रीड करें। सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए भाई, सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए। मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन, है ना? बी केसी सेड टू पुअर, दीपक बी, ओके आशा बी, ठीक है जी, ठीक है। कह रहा क्या, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। अच्छा जी एक बात समझना, सो और टू में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? सो जो होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिविटी के लिए आता है, मतलब पॉजिटिव एसेंस देना हो, पॉजिटिव सेंस देना हो, उसके लिए हम सो का यूज करते हैं। लेकिन एक पूरा का पूरा कंजंक्शन का पेयर है, वो कंजंक्शन का पेयर क्या है जरा देखना, टू टू, है ना? ये पूरा का पूरा सेट है ना, ये पूरा का पूरा सेट, ये जो कंजंक्शन का पेयर है ना, ये निगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है, निगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल ये निगेटिव सेंस के लिए ही यूज किया जाएगा, निगेटिव सेंस, राइट, जिससे निगेटिव मीनिंग निकल कर आ रही हो। अब जरा से देखना, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, मतलब कई सारी जो फैमिलीज हैं इंडिया के अंदर वो इतनी ज्यादा गरीब है कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती, मीनिंग यही निकल के आ रहा है, मतलब निगेटिव मीनिंग निकल कर आ रही है। तो अगर निगेटिव मीनिंग निकल कर आ रही है तो हम यहां पे सो पुअर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, टू पुअर टू बियर, है ना, टू पुअर टू बियर, कि इतने गरीब हैं कि वो खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है, डन है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलेंगे भाई। आंसर करेंगे फटाफट, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर टू, द वॉटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। एक बात जरा से एक और चीज नोटिस करना, कि जिसमें अंडरलाइन हो या जिसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए बोल रहा हो, सिर्फ उन्हीं में एरर ढूंढने की कोशिश किया करो, आजू बाजू से कोई मतलब ही नहीं है। अब सिर्फ इसमें हमें क्या ढूंढना है भाई, एरर ढूंढना है, अगर है तो हम क्या करेंगे भाई, एरर को रिप्लेस करेंगे, नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट मार्क करके आगे बढ़ेंगे, राइट, यही हमारा टास्क होता है भाई नो इंप्रूवमेंट वाले सेगमेंट में। बोल रहा है कि द वॉटर एट हर प्लेस वॉज कूल, है ना, कि जो वॉटर था उसके प्लेस पे, उसके घर पे, वो कैसा था भाई, कूल था, कूल था ना। तो जरा देखना ये वॉज किसके लिए आया भाई, वॉज किसके लिए आया, वॉटर के लिए आया, सिंपल सी बात है, द वॉटर वॉज कूल। क्या बोलोगे भाई मेरे, आप यही बोलोगे ना, अगर मैं उस सेगमेंट को निकालू बाहर और लिखने की कोशिश करूं तो यही बोल सकता हूं, द वॉटर वॉज कूल, है ना, पानी क्या था भाई, ठंडा था, वो जो पानी था वो कैसा था भाई, ठंडा था। अगर पानी ठंडा था तो ये वॉज आपको पता ही है ना कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाया मैंने, ठीक है, सो वर वाला तो आएगा नहीं, वर वाला काट दो, वर वाला काट दो, अब बचा दो वॉज कूलिंग एंड हैव, नहीं भाई हैव नहीं आएगा, हैव क्यों नहीं आएगा, जरा देखो क्या आगे क्या दे रखा है भाई, सारी बात पास्ट में चल रही हैव किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए यूज होता है, सिंपल सा फंडा भाई, सारी बात जब पास्ट में चल रही है, सेंटेंस रीड करके ये पता चल रहा है कि सारी बात पास्ट में चल रही है, तो हम हैव को भी नहीं ला सकते, तो यहां वाला भी खत्म, ठीक है, और यहां पे सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया ये भी खत्म, हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया और अपना आंसर फिगर आउट कर लिया, क्या भाई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगे ना मेरे दोस्त, थोड़ा सा ट्रिकी लगे तो एलिमिनेशन मेथड पे कूद जाओ, है ना, एलिमिनेशन मेथड से सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है ना वो निकल के आ जाएगा भाई, है ना। सोहन लाल सी ऑप्शन नहीं होगा, सोहन सी ऑप्शन नहीं होगा, देखो यहाँ पे वर आ गया इसलिए वो गलत हो गया, है ना, वर आ गया तो गलत हो गया, क्योंकि वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो अपने साथ वॉज ही लेगा, वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, इस बात को जरा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री भाई, बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉट फिजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक पेयर पता है, एक पेयर पता है क्या आपको, बिल्कुल बेहतर बेहतर तरीके से एक पेयरिंग पता होनी चाहिए कि हार्डली के साथ कौन सा क्या कंजंक्शन का पेयर यूज होगा, स्कार्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन का पेयर यूज होगा, ठीक है, बेयरली के साथ क्या यूज होगा, नाइदर के साथ क्या पेयर यूज होता है,
ठीक है, नॉर के साथ क्या पेयर यूज होता है और के साथ क्या पेयर यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। और जब इतना पता होता तो आप आंसर तुरंत का तुरंत मार्क कर दो, और यहाँ पे आपको समझ आया कि यहाँ पे हमें एरर तो नहीं दिख रहा ना, इसमें तो ढूंढना नहीं है और यहाँ नॉर यूज करा हुआ है, तो सिंपल सी बात है इसका भाई आएगा, इसका जो जुड़वा भाई है भाई कौन है, नाइदर है, बिल्कुल नाइदर है, ठीक है नाइदर है भाई, तो नाइदर है तो भाई नाइदर को उठा के यहाँ पे पटक दो, ये रहा नाइदर, तो ए ऑप्शन क्या हुआ भाई, करेक्ट आंसर हुआ थर्ड का ऑप्शन ए, बिल्कुल ही सही जवाब है भाई, थर्ड का आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बात चलेंगे भाई, करेंगे भाई आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लासेस बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्पेरस। ये आई भाई बात मजे वाली, क्यों मजे वाली, क्योंकि ना तो इसमें अंडरलाइन समझ आ रहा है आपको, ना तो हाईलाइटेड समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, आ रहा है क्या समझ आ रहा है? हाँ, जिनको समझ आ रहा होगा वो आंसर करना स्टार्ट कर चुके होंगे कि सर इसका आंसर कैसे फिगर आउट करेंगे, इसका आंसर कैसे फिगर आउट करेंगे। कभी कभी चीजें थोड़ी सी ऐसी मिल जाती है यहाँ पर क्वेश्चंस में, है ना। चलो डी 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 डी, कुछ लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है। भाई देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर कह रहा है क्या, द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लासेस, जो 18th सेंचुरी है ना उसने देखा मिडिल क्लासेस को, मिडिल क्लासेस को देखा, क्या देखा भाई, बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्पेरस। तो एक बात देखो जरा, कंपैरिजन कंपैरिजन की फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है भाई, कि पहले मिडिल क्लासेस की जो सिचुएशन थी वो ठीक है ए पोजिशन पे क्या थी, अब वो जो पोजिशन बी हो गई है तो कैसी हो गई है भाई, भाई कंपैरिजन चल रहा है, सिंपल सी बात है कि जो 18th सेंचुरी है उसने ठीक है 18th सेंचुरी से पहले मिडिल क्लास की क्या स्थिति थी ठीक है ना, वो कैसा था, और 18th सेंचुरी के बाद क्या स्थिति थी, क्या उसके चेंजेस आए थे ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा नहीं कर रहा भाई, कंपैरिजन चल रहा नहीं चल रहा, ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन चल रहा है भाई, अगर कंपैरिजन चल रहा है तो भाई ये जो मोस्ट है भाई ये किसके लिए यूज होता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है ना, तो इसका यूज तो हम कतई नहीं कर सकते भाई, सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहां कर ही नहीं सकते, है ना, सुपरलेटिव डिग्री यहां पर यूज नहीं की जाएगी, तो मोस्ट तो नहीं आना है बच्चे, मोस्ट तो नहीं आया, बिन मोर देन भाई इसका हैज हैव तो कोई साथ ही आना चाहिए ना, तो ये भी नहीं है, तो ये भी हटा दो यहां से, नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट तो है ये फिक्स है भाई, अब बिकम मोर या बिकम बिकम मोस्ट, अब एक बात बताना जरा, मोस्ट को तो हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, मोस्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है तो मोस्ट तो आएगा नहीं भाई, क्या आएगा भाई, बिकम मोर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ भाई, सी। एलिमिनेशन मेथड हमेशा काम करेगा भाई, एलिमिनेशन मेथड हमेशा काम करेगा, नहीं आता आपको फंडा कोई दिक्कत नहीं ठीक है, थोड़ा लॉजिक पता हो एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, आंसर फिगर आउट करें, है ना, सीख जाएंगे आप इन 10 डेज के अंदर, आप बिल्कुल सीख जाओगे, मास्टर हो जाओगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली, आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली, आंसर करेंगे, आंसर करेंगे भाई, कह रहा है मैं नहीं जानता हूं कि वाई ही सच सीक्रेटली सीक्रेटली, अब जरा देखना भाई ये जो सीक्रेटली आ रखा है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ही के बारे में, और ही क्या है भाई, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में डिटेल ऐड कौन करता है, प्रोनाउन में डिटेल ऐड करने का काम कौन करता है सर, एडजेक्टिव, कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, मैं मानता हूं आपकी बात भाई कि एडजेक्टिव करता है राइट, लेकिन यहां पर सीक्रेटली क्या है भाई, सीक्रेटली तो सर एडवर्ब है ना, एडवर्ब है, हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें चेंज करना पड़ेगा, हमने एडवर्ब को रिप्लेस करना है किससे, एडजेक्टिव से, अब मैं बोलूं आपके लिए एडजेक्टिव क्या बनेगा भाई, ये भी एडवर्ब है, ये भी हटा दो, और यहां बोल रहे हैं इज मेनी सीक्रेटिव और इज सो सीक्रेटिव, मेनी सीक्रेटिव क्या होता है, मेनी के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा भाई, मेनी के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेनी खुद ही एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कैसे काम करता है, मेनी बॉयज बोलते हो, मेनी बॉयज बोलते हो ना ठीक है, मेनी बॉयज, बॉयज क्या हुआ, नाउन हुआ, तो मेनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, तो मेनी वाला भी नहीं बन पाएगा, तो ये भी खत्म, बचा क्या हमारे सामने, डी, इज सो सीक्रेटिव, सीक्रेटिव क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है, अगर सीक्रेटिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछोगे तो ये क्या बनेगा भाई, एडजेक्टिव बनेगा, बिल्कुल जिनका आंसर डी है, डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ये होता है जब आपका फाउंडेशन, जब आपका फंडा स्ट्रांग होता है तो आपको आंसर दिख रहे होते हैं, है ना, आपको आंसर दिख रहे होते भाई, आप हर एक चीज लॉजिकली ढूंढ पा रहे हो, तो डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, 6, जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड कर्ल रिलैक्स एंड टेक्सचर्स
ए हेयर इन द लॉन्ग रन? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे इसके बारे में, फटाफट आंसर करें जी। देखो सिंपल सी बात है, एक फंडा याद रखना कि जो भी आप सेंटेंस लिखते हो ना वो पैरेललिज्म को फॉलो करेगा, है ना, पैरेललिज्म को फॉलो करेगा। अब ये पैरेललिज्म क्या होता है, जैसे क्या, आई विल कंप्लीट कंप्लीट माई होमवर्क, माई वर्क लिख लो, एंड वॉचिंग टीवी, क्या ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है? क्या ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है? किस किस को लगता है भाई सही है? आई विल कंप्लीट माई होम वाई माई वर्क एंड वॉचिंग टीवी। भाई सही नहीं है, क्यों नहीं सही है? बिल्कुल क्यों नहीं सही है भाई, क्योंकि ये पैरेललिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पे मैं फॉलो करा रहा हूं विल प्लस वी वन, और यहां पे मैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये अपने आप में ही गलत हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अगर यहां पे वी वन होता तो फिर ये पैरेललिज्म को फॉलो करता और सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सिंटेक्सली, जो कहते हैं ना भाई जिनका सिंटेक्स करेक्ट होता है, वैसे वो बिल्कुल करेक्ट होता। तो आपको समझ आना चाहिए, यहां पर बात हो रही है सारी वी टू की, और यहां पर वी वन और वी वन आ गया भाई, V1 V1 आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा, तो हम उसको V2 V2 करेंगे। V2 V2 क्या है भाई? इधर है, तो V2 V2 कर लिया हमने, है ना। ऑप्शन ए क्या है? 6 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जी, शानदार बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल शानदार बच्चे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 कह रहा है, आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, है ना। ये भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जी, देख लें जरा। आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश वेन आई केम हियर बट आई हैव बिन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड। आंसर करेंगे फटाफट, फटाफट आंसर करें जी। आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश, मैं बहुत कम स्पेनिश जानता था। वेन आई केम हियर, जब मैं यहां आया था, ठीक है ना, वेन आई केम हियर, जब मैं यहां आया था, ठीक है, बट लेकिन आई हैव बिन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, लेकिन अब मैं सीख रहा हूं और अपनी चीजों को समझ पा रहा हूं। तो भाई इसमें कहीं पे कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये पास्ट के सेगमेंट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में ही बात चल रही है और आगे भी। अच्छा पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कराएगा तो वो कौन बनेगा भाई? वो सर हैव आता है, पास्ट को मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ना भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अगर पास्ट से प्रेजेंट में आना हो तो भाई हमने करा यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने अभी इस सेशन के अंदर कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली भाई मेरे, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली? टोटल हमने 17 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है ना। और भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, ऐसे ही सेशंस को लगातार बनाए रखेंगे, ठीक है। चले आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ ले भाई, फटाफट पूछ ले। आपको मिक्स मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे, बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो, है ना। हाँ जी भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है भाई, सी में कोई दिक्कत नहीं है, सी करेक्ट है। कोई डाउट हो किसी का तो वो पूछ ले भाई, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट। सेशन डेली इसी टाइम पे 7:30 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। आज हमने वोकैबुलरी के क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन वो डिस्कस होने हैं जी, आगे होने हैं। देख लें भाई सारे क्वेश्चंस वोकैब के जो भी आए हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और वोकैबुलरी को वोकैब के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं वो आपको समझ आएगा क्वेश्चंस को देखने के बाद से, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी जो क्वेश्चन है आज का सेशन यहीं पर हम समअप करेंगे, है ना। परिवाल इसमें सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस, उनको भी प्रैक्टिस करेंगे भाई, उनको भी प्रैक्टिस करेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे भाई, कर लेंगे। आज का सेशन यही खत्म कर रहे हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट में पक्का कल आपको आंसर करूंगा, ठीक है राकेश, पक्का मैं आंसर करूंगा कल आपको, ठीक है। आज टाइम हो चुका है जी, दूसरे सर का भी होना है क्लास, बिल्कुल आशा मैं ये आंसर आपको कर दूंगा कल, ठीक है। अभी टाइम नहीं है इस चीज को अंडरस्टूड करें, अपने डाउट्स आप मेंशन कर दें बस, ताकि मैं जैसे आऊं तो कल मैं आपके सारे डाउट्स ले लूं फटाफट, ठीक है। टाइम आपका हो चुका है जी, हाँ बिल्कुल 25 क्वेश्चंस का सेट भी होगा, अभी आपको रिदम में लाने की 1-2 दिन का टाइम लगेगा ताकि आप रिदम में आ जाओ। मैं 25 क्वेश्चंस के पूरे पूरे सेट कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो उसके लिए, ठीक है।
बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपका जो इंग्लिश का सेगमेंट है वो काफी बेहतरीन तरीके से होगा। चलो जी, चलो ओके, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।